हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। आज मैं आप लोग को कलकत्ता स्टाइल में, बंगाली स्टाइल में आप लोग को फ़िश करी बनाना बताऊंगी। और ये इसके लिए मैं ली हूँ, ये चार पाँच पीस फिश है, ये कतला फिश है। ये इसको मैं आधे घंटे पहले अच्छे से धो के, बहुत अच्छे से धोई उसको 6 से 7 बार, और फिर इसमें नमक और हल्दी लगा के मैरिनेट करके रखी थी आधा घंटा पहले। अब इसको हम फ्राई करेंगे। मैं तो सरसों तेल में ही बनाती हूँ खाना दोस्तों, और मछली को हमेशा सरसों तेल में ही बनाया जाता है, उससे उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो मैं इसमें सरसों तेल डालूँगी। अच्छे से फैला के डालूंगी, थोड़ा ज़्यादा ही डालूंगी क्योंकि इसको फ्राई करूंगी मैं अच्छे से। खूब अच्छे से इसको गर्म होने दूंगी। बहुत तेज़ गर्म करने से ही ये मतलब मछली टूटती नहीं है। अगर हम तेल को गर्म नहीं करेंगे तो मछली तेल में जाने के बाद टूट जाती है। तेल को अच्छे से फैला देंगे, अच्छे से कड़क गरम कर लेंगे। मैं पांचों पीस को एक साथ डाल दूंगी दोस्तों। देखिए तेल से धुआं निकलने लग गया। एक एक करके छोड़ेंगे। इसको तेज आंच में ही रख के फ्राई करेंगे ताकि टूटे ना। और ये आपकी एक ये वाला हिस्सा रह गया तो इसको मैं आपके में फ्राई करके रख दूंगी। फिश फ्राई हो रहा है तब तक मैं मसाला बना लूंगी। इसके लिए चाहिए ये पैच, एक मीडियम साइज का पैच है ये, एक अच्छा बड़ा साइज का टमाटो है, और 8-10 कली लहसुन है इसमें, और ये हरी मिर्ची है, सब धो के रखती हूँ, और छोटा से अदरक का टुकड़ा है, और ये है लहसुन के, हरे लहसुन के पत्ते। अगर ये आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो मत डालिए। मेरे पास था, मैं छत के ऊपर गमला लगाई हूँ, देखिए तेल छिटा रहा है तो उसमें लगा था, तो मैं इसको डाल दी। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, देखिए तेल छिटा गया। इसलिए मछली वगैरह तलते टाइम थोड़ा सा सावधानी से तलना पड़ता है। तो इसको मैं एक साथ पूरा, ये पूरा एक साथ पीस लूँगी, और टमाटर को अलग से पीसूँगी, और उसमें मैं थोड़ा सा मसाले के साथ में थोड़ा सा ये 1 चम्मच ये राई भी डालूँगी, सरसों। ठीक है, मैं मसाला पीस लेती हूँ जब तक इसको फ्राई हो रहा है। लहसुन के पत्ते डालना ज़रूरी नहीं है दोस्तों, अगर है तो डालो, नहीं है तो कोई वो नहीं है, उसके बिना भी अच्छा लगेगा। लहसुन तो डाले ही हम, ये मेरे पास रखा हुआ था, अभी आखिरी आखिरी हो रहा है तो मैं बोली ख़त्म करती हूँ, गमला सब खाली कर रही हूँ। तो थोड़ा तीखा ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि इसमें तीखा ज़्यादा डालने से अच्छा लगता है। इसको कातला कलिया बोलते हैं, द कातला फिश का कलिया बोलते हैं इसको बंगाली में। एक चम्मच भर के राई, राई में ज़्यादा नहीं डाल रही, वो सरसों वाली मछली जो होती है उसमें राई ज़्यादा पड़ता है, ये सरसों वाली नहीं बना रही, मसालेदार मछली बना रही हूँ, करी वाला।
एक साइड हो गया इसका, पलटा दूंगी मैं। पलटा दी हूँ इसको और अच्छे से होने दूंगी इसको। अच्छा कड़क अच्छा फ्राई कर लेंगे। मछली को अच्छे से फ्राई करने से उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जितना आप अच्छे से मछली को फ्राई करते हैं ना, उतना ही उसके अंदर मसाला अच्छे से जाता है। और कच्चा रहने से ना वो मसाला अच्छा नहीं जाता है और खाने में भी अच्छा नहीं लगता। इसके मछली को हमेशा अच्छे से फ्राई कीजिए। ठीक है, इसको फ्राई होने देती हूँ, मैं मसाला पीस के लाती हूँ। मसाला पीसती हूँ दोस्तों ये, और ये टमाटर। मैं मछली भी फ्राई हो गया, इसको पलटा ही रही थी मैं, अब निकाल लूँगी इसको मैं। ये देखिए मछली फ्राई हो गई अच्छे से। गैस को कम रखी हूँ दोस्तों, अभी मसाला डालूंगी। तो इसमें डालूंगी मैं जीरा, एक तेज पत्ता। आप चाहे तो इसमें खड़ा मसाला डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डाल रही हूँ। मैं थोड़ा सा मसाला पाउडर डाल दूंगी, मेरे पास पीस के मैं खुद बना के रखी हूँ उसका पाउडर पूरा खड़ा मसाले का, वो डालूंगी। अभी डालूंगी पेस्ट। गैस को बढ़ा दूंगी। जब तक ये मसाला हो रहा है, जब तक ये मसाला फ्राई हो रहा है, तब तक मैं एक मसाला और बनाऊंगी। एक चम्मच भर के कश्मीरी मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, और ये तीखा वाला मिर्ची पाउडर, और ये भूंजा हुआ जीरा पाउडर है, मैं घर में भूंज के पीसती हूँ, और ये सॉरी धनिया पाउडर था दोस्तों, वो ये जीरा पाउडर है। दोनों ही धनिया जीरा को मैं घर में ही अलग अलग भूंज के उसको पाउडर बना के रख देती हूँ, उससे उसका टेस्ट सब्जियों का काफ़ी अच्छा आता है। मैं बाज़ार का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला बहुत ही कम। मैं मतलब गरम मसाला कभी कभी थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर भी लेती हूँ, पर अधिकतर मेरा घर का बना हुआ ही इस्तेमाल करती हूँ। मैं खुद से ही गरम मसाला धनिया ये सब पूरा सब पीसती हूँ और उसी को इस्तेमाल करती हूँ। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा पानी। तो पानी डालेंगे और पेस्ट बना लेंगे। इससे क्या सब्जी का कलर भी बहुत अच्छा आता है और मसाले जलते नहीं है, तो उसका मसाले का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है सब्जी में। ये तो ऐसे पाउडर डाल देंगे ना तो मसाला बहुत जल्दी जलने लगता है। थोड़ा और डालेंगे, ये देखिए देखिए मसाला फ्राई हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर, ये देखिए टमाटर पीस के जो रखी थी। इसमें डालूंगी नमक, एक चम्मच नमक डाली क्योंकि फिश में भी नमक है। टमाटर डालने पर नमक डालने से क्या टमाटर जल्दी से पक जाता है। अब मैं ये वाले मसाले को भी डाल दूंगी,
जो पाउडर मसाले का घोल बना के रखी थी उसको भी डाल दूंगी। अब इसको खूब अच्छे से फ्राई करूंगी, जब तक ये तेल ऊपर ना आ जाए मसाले में से तब तक इसको अच्छे से हिला हिला के फ्राई करूंगी। और बीच में थोड़ा ये जो मसाला और टमाटर का जो पानी है इसको भी मैं डाल दूंगी, अगर जलने लगा मसाला तो बीच बीच में इसको एक एक चम्मच करके डाल के फ्राई कर लूँगी। मसाले का कलर देखिए दोस्तों इतना अच्छा है, सुगंध बहुत ही अच्छा आ रहा है क्योंकि इसमें सारे भूंजे हुए मसाले हैं। मसाले को नीचे नहीं चिपकने देना है बिल्कुल भी। अब ये जो पानी था मसाला वाला उसको भी मैं डाल दूंगी। खूब अच्छे से इसको मसाला जितना आप अच्छे से फ्राई करेंगे ना सब्जी का टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। मसाला कच्चा रह जाएगा ना तो उसका जो कच्चापन का आता है ना टमाटर प्याज लहसुन का कच्चापन आ जाता है सब्जी में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता खाने में। बुक तो यूट्यूब में तो अभी अभी आई हूँ मैं, उससे पहले मैं मतलब होस्टल के बच्चों को खाना बना के सप्लाई करती थी। मेरा मेस था, टिफिन सेंटर था मेरा, काफ़ी बच्चों का 70-80 बच्चों का खाना मेरे घर पे बनता था और होस्टल में सप्लाई होता था। जो बाहर से बच्चे पढ़ने के लिए आते थे होस्टल में रहते थे और उनको मतलब खाना बनाना नहीं हो पाता था, कॉलेज रहते था उनका कोचिंग रहता था कुछ कोचिंग के बच्चे थे कॉलेज के बच्चे थे तो वो लोग मेरे से खाना लेते थे तो खाना सप्लाई मेरे यहाँ से होता था। तो मुझे खाना बनाना शुरू से ही मतलब उतना पसंद नहीं था पर बोलना चाहिए मजबूरी में करना चालू कर दी और करते करते बिजनेस मतलब इतना अच्छा चलने लग गया फिर करते करते खाना बनाने की आदत ही पड़ गई मुझे, नए नए चीज़ें बनाना बच्चों को खिलाना। उसके बाद फिर लॉकडाउन के टाइम पर पूरा बंद हो गया, कोरोना आया तो उस समय फिर मैं अपना टिफिन सेंटर वगैरह सब बंद कर दिया। मेरे जितने भी मेरे पास सब थे सामान बड़े बड़े बर्तन वगैरह सब बेच दी क्योंकि उसके बाद फिर पॉसिबल ही नहीं हुआ शुरू करना क्योंकि जमा जमा काम पूरी तरह से ठप हो गया था। उसके बाद साल वो सब खाली बैठे रही, समझ में नहीं आया क्या करूँ क्या करूँ। उसके बाद ऐसे ही मोबाइल में यूट्यूब देखते रहती थी, सबका कुकिंग वीडियो देखते रहती थी, शौक था। फिर धीरे धीरे एक दिन मेरा भी मन हुआ कि मैं भी इतना कुछ बना सकती हूँ, अच्छे से बनाना आता है मुझे भी खाना, इतना बुरा तो नहीं बनाती फिर क्यों ना मैं भी यूट्यूब चैनल बनाऊँ। और फिर मैं यूट्यूब में आ गई। आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बने रहिए मेरे साथ बिल्कुल। कॉमेंट करके भी बताइए कि कैसा लगता है आप लोग मेरा वीडियो, कुछ कमी है तो भी बताइए और अपने दोस्तों को मेरा वीडियो बिल्कुल शेयर कर दीजिए। देखिए मसाला फ्राई हो गया है और एकदम ही सुगंध आने लग गया, बहुत अच्छे से फ्राई हो गया मसाला। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी, 5 पीस मछली है तो ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखूँगी मैं। टाइम पे मैं थोड़ा नमक टेस्ट करूंगी, परफेक्ट है नमक। थोड़ा सा गरम मसाला, ये जो खड़ा गरम मसाला जो शुरू में आप तेल में डाल सकते हैं बघार में पर मुंह में आता है वो, इसलिए मैं पिसा हुआ डाल रही हूँ। ये देखिए इसमें तेज पत्ता लौंग इलायची बड़ी इलायची सारे जितने भी खड़े मसाला होते हैं सबको भूंज के पाउडर बना के रखती हूँ मैं।
थोड़ा सेव डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी। फिश को डाल दूंगी मैं, उबल गया तरी इसका। तो तेज आंच में 2 मिनट अच्छे से उबाल लूंगी मैं। मछली देखिए इतना अच्छा फ्राई हुआ ना, तो ये टूटेगा नहीं। 2 मिनट इसको मैं ढक दूंगी। बहुत ही सुगंध अच्छा आ रहा है दोस्तों। इसको 2 मिनट पकाऊंगी तेज आंच में। 2 मिनट तेज आंच में उबाली दोस्तों। अब मैं इसको गैस को कम कर रही हूँ बिल्कुल भी। अब ये धीरे धीरे इसको कम से कम 5 मिनट में ऐसे धीरे धीरे उबालूंगी, ताकि मसाला जो है बिल्कुल फिश के अंदर चला जाए। मैं धनिया पत्ते भी डाल दूंगी इस टाइम पे। ऐसे धीरे धीरे उबलेगा 5 मिनट, तो ये मसाला पूरा अच्छे से अंदर चला जाएगा। धनिया पत्ती का फ्लेवर भी पूरा तली में आ जाएगा। ठीक है, 5 मिनट उबालती हूँ। गैस को बंद कर दी हूँ मैं। फिश करी बिल्कुल बनके तैयार है। कलर देखिए दोस्तों, इतना अच्छा दिख रहा है। खाने में भी इतना ही अच्छा होगा। ज़्यादा ग्रेवी नहीं है, पर ये खाने में बहुत ही टेस्टी होगा। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए ऐसे। कुछ ज़्यादा कुछ मसाला नहीं है, कुछ ताम हम नहीं है, पर इसको क्या मसाला फ्राई करना और उसी में डिपेंड करता है आप कितना मसाला को फ्राई करते हैं। अगर आप अच्छे से मसाला को फ्राई करेंगे ना, तभी उसका टेस्ट बहुत ही अच्छे से आता है। देखिए दोस्तों कितना टेस्टी दिख रहा है। आप लोग भी एक बार ज़रूर बना के खाइए मेरे तरीके से फ़िश करी, मसाला फ़िश करी। आप लोग बिल्कुल एकदम एक बार बनाएंगे ना इस तरीके से, फिर आप लोग दोबारा ऐसे ही बना के खाएंगे। ज़रूर एक बार से बनाइए और कमेंट करके बताइए कि आप लोग को कैसा लगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय।